राजधानी के करौंद में 26 करोड़ रुपए से बने रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया गया। इसके शुरू होने से हाउसिंग बोर्ड, गैस राहत कॉलोनी, नवीन नगर, बैरसिया रोड, आरिफ नगर, डीआईजी बंगला और बैरसिया रोड समेत आसपास के 5 लाख रहवासियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही नरेला विधानसभा में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने करीब 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी के पास रेलवे क्रॉसिंग के चलते पूर्व में यहां वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती थी। वहीं करौंद जाने वाली BCLL की बस, बैरसिया, सिरोंज और विदिशा जाने वाली बसों को DIG बंगले से यूनियन कार्बाइड, करौंद गल्ला मंडी और BMHRC से घूमकर जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय बर्बाद होता था। लेकिन अब वाहन आसानी से देवकी नगर से करौंद की ओर जा सकते हैं। निषादपुरा में रेलवे क्रॉसिंग की वजह से लगने वाले जाम में भी निजात मिलेगी। इसके साथ ही करौंद मुख्य चौराहे से लेकर कृषि उपज मंडी तक 10 करोड़ रुपए से 1.2 किलोमीटर की स्मार्ट सड़क का भी लोकार्पण किया गया। के लिए आज से ये शुरू हुआ है आवागमन के लिए। उसके साथ ही करौंद क्षेत्र की स्मार्ट रोड का भी आज हमने लोकार्पण किया। नरेला विधानसभा में विकास के मामले में हमने हर रिकॉर्ड को तोड़ा है। हमने एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया, करोड़ों रुपए की लागत से रोडों का निर्माण करवाया, नालियां बनवाई, नाले बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, स्कूल, कॉलेज, IT पार्क, बड़े बड़े उद्यान हमने नरेला विधानसभा में लगातार विकास किया है और आज ये विकास का एक बड़ा मॉडल और स्थापित हो रहा है। इस फोरलेन मार्ग में सेंट्रल वर्ज एवं सड़क की दोनों तरफ डक्ट का निर्माण किया गया है, जिससे पैदल यात्रियों की सुविधा हेतु फुटपाथ के साथ ही सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी हो गई है। नरेला में ROB और स्मार्ट रोड के साथ एक दर्जन से अधिक अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण व भूमि पूजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एम्प न्यूज, भोपाल।